एबीसी आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस ने 12 साल के बच्चे को गुजरात के सूरत से अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया है। 9 नवंबर की सुबह बच्चे का अपहरण हुआ था। वारदात के वक्त बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों का पीछा करते हुए 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ में अपहरण और फिरौती के कई अन्य मामलों का भी खुलासा किया है। अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रविवार को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बच्चे की फिरौती की रकम 1 करोड़ रुपए उसके माता पिता से मांगे जा रहे थे। साथ ही इनमें से एक आरोपी के खिलाफ डबल मर्डर का केस भी दर्ज है। बच्चे को सुरक्षित वापस उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। बोला ये बच्चा मेरा है ही नहीं, ये महाराष्ट्र पुलिस का है, जिन्होंने अपने जी जान पे खेल के इसको बचा के लाया है। हम तो हाथ धो चुके थे कि फिनिश, क्योंकि इतने दिनों में 4 दिन में आदमी 1 दिन में परेशान हो गया करके भूल जाता है। पर जो डिपार्टमेंट ने जो काम किया है इसको सिर्फ ये महाराष्ट्र पुलिस ही कर सकती है काम। जितना मेहनत से अपनी फैमिली को छोड़ के चार दिन तक जंगलों में घूमना इस बच्चे के लिए, पहला मेरे बच्चे को सीधा तो आपके सामने बच्चा खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इतना मेहनत करने का इनका नतीजा है ये कि अगर महाराष्ट्र पुलिस यहाँ तक। एक बच्चे का अपहरण हुआ था और 12 साल के बच्चे का अपहरण होने के बाद यहाँ के उस अपराध की गंभीरता देखते हुए इसका अन्वेषण जो है वो सीनियर PI मानपाड़ा श्री शेखर बागड़े इन्होंने लिया था। और उस रेड में इस बच्चे को कोई भी उनको इंजुरी न होते हुए रिहा कर दिया है और सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और उसमें 2 जेंट्स हैं और 3 लेडीज अपराधी हैं। अपराधियों ने इसके पहले डबल मर्डर और लिकर स्मगलिंग के कई सारे अपराध उनके खिलाफ हैं। इसमें माननीय CP सर ने सभी टीम का विशेष अभिनंदन किया है और इनको इनाम जाहिर किया है।